हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल्लर। दोस्तों हमारे जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी का जो लेवल होता है वो है पीएचडी। हमारे इंडिया में पीएचडी का लेवल एक अलग ही पीएचडी का लेवल माना जाता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हम पीएचडी के लेवल को कितने इजीली सोल्व कर पाएंगे, मतलब ये है भाई की फीस कितनी लगेगी और कितना टाइम में पीएचडी हमारा होगा, क्या नेट कंपल्सरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म, और मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र गोस्वामी। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेट एग्जाम आ चुका था दोस्तों, आपको फिल्लर फॉर्म दे रहा है 10 नहीं 20 नहीं 30 फ्री मॉक टेस्ट सेकंड पेपर के और फर्स्ट पेपर के। तो इतनी बड़ी चीज आपके लिए काफी है। एप्लीकेशन में आपको और भी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। और इस फिल्लर फॉर्म पे मंडे से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है जहां पर ये बैच बिल्कुल फ्री होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों काफी लोग कह रहे हैं कि सर क्या अभी हम अप्लाई कर सकते हैं हमारा पीएचडी, हमारा नेट क्वालिफाई हुआ। तो भैया देखो, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ ना वो भी पीएचडी के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो जाइए अप्लाई कीजिए, अभी तो फॉर्म चल रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात सर फीस कितनी लगेगी, तो देखिए फीस का क्या होता है, अलग अलग सीन होता है, मतलब कॉलेज के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप गवर्नमेंट से करोगे तो कम फीस लगेगी, स्टेट से करोगे तो थोड़ी ज्यादा लगेगी, और प्राइवेट से करोगे तो भैया एक साल का आपको 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा। अब इस उम्र में हम कमाते तो कुछ नहीं है, पैसे भी घर वालों से मांगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये कोशिश करो कि इस बार आप जब नेट एग्जाम दोगे ना तो आपका जारी हो जाए, क्योंकि अगर आपका जारी हो गया ना तो आपकी पीएचडी बिल्कुल फ्री में हो जाएगी। आप कहीं से भी करो, क्यों फ्री में होगी, क्योंकि आपको जारी के 35,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। तो जो 35,000 रुपये आएंगे ना तो आपका पीएचडी इसमें फ्री हो जाएगा, साल के 3.5 लाख रुपये। तो इतने तो आपकी पूरी पीएचडी की फीस हो जाएगी, तो यह फ्री में हो गया और आपका बेनिफिट भी यहाँ पर हो जाएगा। अगली बात करते हैं सर टाइम कितना लगता है। तो देखिए पीएचडी में एक मिनिमम 3 साल लगते हैं और मैक्सिमम आप 7 साल का टाइम दिया जाता है। तो देखिए 7 साल हमको नहीं लेना, हमारा टारगेट होगा 3 साल। मतलब 3 साल में पीएचडी कैसे कंप्लीट होगी, इसका सिंपल सा आंसर है कि योर टॉपिक, मतलब आपका टॉपिक आपको ऐसे लेना है जो बिल्कुल ईजी हो, आसान हो, आपको इसका बेसिक पता हो, तो आपका इजिली पीएचडी हो जाएगा। और इस पर डिपेंड करता है आपके कॉलेज भी, आपके लिए कॉलेज कौन सा सिलेक्ट किया। तो कोशिश ये करनी हमें कि हमारा कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज हो या एक सेंट्रल कॉलेज हो। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सेंट्रल कॉलेज कौन सा है, तो भैया देखो सिंपल सा गूगल होता है, गूगल का हम यूज करते हैं ना, तो जहाँ पर जाओ सर्च करोगे तो आपको बोर्ड का मिल जाएगा। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि टॉप 10 पीएचडी कॉलेज, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।